ओकाड़ा में आम इंतखाबात के लिए इंतजाम मुकम्मल हैं। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जिशान हनीफ से आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज शाहीन ने गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ओकाड़ा में भी कौमी असम्बली की 4 और सम्बाई असम्बली की 8 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं। इस हवाले से डीआरओ ओकाड़ा डॉक्टर जिशान हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जी 12 हमारे हल्के हैं, 4 एमए और 8 पीपी के। इसमें हमारे जो लोग तैनात हैं वो 15,600 हैं। इसके अलावा पुलिस की नफरिस के अलावा है, रेंजर्स की भी हमारे पास रेंजर्स भी तशरीफ आ चुके हैं और इस तरीके से आर्मी वाले भी आ चुके हैं और आज से उनकी जो क्यूर है उनके लिए मूवमेंट स्टार्ट कर। जो हमारे पोलिंग स्टेशन है मोस्ट सेंसिटिव डिक्लेयर हुए दे आर 170 और 170 में तमाम पोलिंग स्टेशन पर कैमरा इंस्टॉल किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो तैयारी है इलेक्शन की वो हमारी एंगल से मुकम्मल है और किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं है। और रही बात जो इलेक्शन की कानून की खिलाफ वर्जी करने की, उसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं वो डेली की डेली इंस्पेक्शन भी ले रहे हैं और इसकी रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर भी हो। सारा जो इंतजाम किया है कि वो बताया कि 15,000 से ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिसर जो लगाए गए हैं और रिजल्ट भी ये बर वक्त ही देंगे।